ज़हीर अहमद। आप क्या काम करते हैं? टेलर ही काम करता हूँ मैं। अभी आपका ये सीजन कैसा जा रहा है? सीजन तो लॉकडाउन की वजह से मतलब काम है नहीं डर लाइन में, वरना हमारा चार महीने का मतलब सीजन चलता था सुबह रात से लेकर बकरीद तक, तो उसमें हम लोग अच्छे खासी आमदनी हमारी हो जाती थी। अभी लॉकडाउन की वजह से मतलब मईशत तबाह हो रही है, मुल्क के हालात, दुनिया के हालात, उसकी वजह से हमारी मतलब टेलर लाइन के ऊपर भी काफ़ी असर पड़ा है। बिल्कुल काम है नहीं, बस जो भी थोड़ा बहुत काम है हमारे घर का हम लोग सी रहे हैं बस, उसके अलावा दुकान पे काम नहीं है मतलब। अभी आपका अहम सीजन ईद का त्यौहार रहता था, आज मालेगांव के हालात ऐसे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले ईद पे भी आपका सीजन सही हो सके? नहीं, हालात के पेश नज़र तो ऐसा आगे कुछ लगता नहीं हमको कि हमारा काम का चलेगा अच्छा, क्योंकि काफ़ी लंबा जाएगा ये। जिस तरीके से आज माहौल है, इससे आगे और ज़्यादा ख़राब माहौल आ सकता है। अभी आपका सीजन ऑफ होने की वजह से आपको क्या नुकसान आ रहे हैं? घर चलाने के लिए, बाल बच्चों पर मसले मसाइल है, दवा गोली बीमारी आ रही, फिर आगे दूसरे कुछ मसाइल घर के रहते हैं जिसको अपनी ज़रूरत ज़िंदगी पूरी नहीं कर पाता है आदमी। ये चार महीने में आप लोग जो आमदनी होती थी, तो आप उससे साल भर के अखराजात क्या क्या कवर करते थे इससे? ये शबे बरात से लेकर बकरीद तक जो हमारा काम काज चलता था, ये समझ लें पूरे साल का बेनिफिट रहता है हमारा। हम लोग आउट सीजन मतलब 8 महीने हमारे पास काम रहता नहीं है, लेकिन अगर दूसरे कारोबार जुड़े हुए लोग अगर 1-2 महीना पीछे होते हैं, लेकिन हमारे काम की वजह से हम लोग टेलर लाइन से जुड़े हुए लोग तकरीबन भी तो साल भर पीछे हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा इसी चीज़ पे डिपेंड है, दूसरा कोई साइड में हमारा वो नहीं है। हाँ, बहुत हद तक के मतलब घर पे कुछ बड़े मसाइल है, शादी भी है घर की, बीमारी शुमारी है, कुछ दूसरा कुछ मसाइल है घर का, घर बनाना है या कुछ और भी दूसरी मसरूफियात है, जो इन्हें 4 महीना काम करके अच्छी खासी तनख्वाह आदमी हासिल कर लेता था, लेकिन अभी रोज़गार मतलब हमारे टेलर लाइन पर इतना मंदा ज़्यादा है हालात के हिसाब से, तो आगे से कुछ विषय दिखता नहीं हमको कि आगे हम कुछ 4 महीने काम करने के बाद 2 पैसा जमा सके, 2 पैसा कर सके। अभी टेलर लोगों को सरकार की जानिब से या दूसरी कोई तंजीम अदारों की जानिब से अभी किसी की नज़र आप लोगों पर नहीं गई? नहीं, बिल्कुल नहीं, ना कभी अभी आज तक उसके तहत ना कोई तंजीम बनी है, ना कुछ हालात के पैसे हिसाब से मतलब कोई ऐसी चीज़ आगे हमारे आती नहीं टेलर लाइन के, ना उसका कोई यूनियन वगैरह कुछ भी नहीं है हमारा। आप लोगों का कोई प्लेटफॉर्म, कोई तंजीम अदारा, कोई यूनियन? नो, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई तंजीम नहीं है, कोई इदारा नहीं है, कोई यूनियन नहीं है हमारी, बस जो करते हैं उतना ही सिर मतलब देता है, बस बहुत हो गया। जिस तरीके से मजदूर यूनियन है, मुकादम जाबर एसोसिएशन है, ट्रक हमाल यूनियन है, गार्ड प्रेस यूनियन है, साइजिंग एसोसिएशन है, पावर लूम ऑनर्स एसोसिएशन है, तो टेलरों के लिए कोई तंजीम आपके हित में काम करती है? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस तरीके से बहुत सारी तंजीमें हैं गटनी यूनियन रश वालों की, पावर लूम मजदूरों ताल्लुक से, अब दूसरे फल फ्रूट है, जितने शहर में तंजीमें हैं, लेकिन टेलर लाइन के ताल्लुक से आज तक कोई तंजीम बनी नहीं है। लेकिन मेरी गुजारिश है, जो नामवर टेलर शहर के अंदर बड़े बड़े टेलर लोग हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि इस ताल्लुक से भी वो सोचे, टेलर लाइन के ताल्लुक से मतलब कोई तंजीम ऐसी बड़ी बनाए जिनके थ्रू वो आगे काम काज कर सके, उनके मसले मसाइल वहाँ पर वो पेश कर सके। तो मेरी गुजारिश है कि आपसे गुजारिश है कि आप यहाँ मतलब ये बात पर ध्यान दें, कोई यूनियन से इंतज़ाम बनाए, जो कारीगर लोग टेलर लाइन जुड़े हुए हैं वो आपकी तंजीम तक हमारे जो मसले मसाइल है वो पेश कर सके। लॉकडाउन की वजह से आपके टेलर कारोबार पर क्या इफेक्ट गिरा है? हम लोग के काम का मसला ऐसा है कि हम लोग सिर्फ 4 महीने जो काम मिलता बस, उसके अलावा फिर साल भर वैसे रहता ठंडा। साल भर में जो कमाई होती उससे बच्चों के अखराजात है, पढ़ाई लिखाई का मामला है, सब उससे सब होता पूरा। हमारा जो है तो साल भर का नुकसान हो गया लॉकडाउन की वजह से, और लोगों का 1 महीने का फर्क पड़ा, हमारा पूरा साल चला गया।